पंजाब के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के कोर्ट में सरेंडर करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया, जिसके बाद शुक्रवार को जेल में उनकी पहली रात गुजरी। सिद्धू को पटियाला केंद्रीय सुधार गृह में भेजा गया है, यहां उन्हें कैदी नंबर और कोठरी नंबर भी अलॉट कर दिया गया है। बताया जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को जेल में कैदी नंबर 137683 मिला है, जिन्हें केंद्रीय सुधार गृह में 10x15 की कोठरी अलॉट हुई है, जिसमें उनके साथ चार और कैदी भी मौजूद हैं। इन कैदियों में दो पूर्व पुलिसकर्मी और दो आम नागरिक हैं, जो अलग अलग अपराधों की सजा काट रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जेल में पहुंचकर नवजोत सिंह सिद्धू ने पहली रात खाना भी नहीं खाया। उन्होंने शाम मेडिकल टेस्ट के दौरान ही खाना खाया था, जिसके बाद से उन्होंने जेल में खाना खाने से इनकार कर दिया। सिद्धू को जेल में आम कैदियों की तरह ही रखा गया है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सिद्धू को गेहूं से एलर्जी है, जिसे लेकर आज उनका जेल में ही टेस्ट भी हो सकता है। बता दें कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने 1988 के रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाई गई एक साल की सजा के एक दिन बाद शुक्रवार 20 मई को अदालत में सरेंडर कर दिया था। 58 वर्षीय सिद्धू ने शाम 4 बजे के बाद सरेंडर कर दिया और वहां से उन्हें अनिवार्य चिकित्सकीय जांच के लिए माता कौशल्या अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सा जांच के बाद उन्हें पटियाला केंद्रीय जेल भेज दिया गया। नवजोत सिंह चीमा, अश्विनी सेगरी, हृदयलाल कंबोज और पीरमल सिंह और अपने समर्थकों के साथ सिद्धू अपने आवास से कोर्ट तक गए थे। इससे पहले सिद्धू ने सरेंडर के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा था, लेकिन उनकी इस मांग पर सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद सिद्धू ने सरेंडर कर दिया। डीआरबी न्यूज ब्यूरो, मुंबई।